वाशिंगटन से खबर शामिल करते हैं, जहां पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल के नए वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का मकसद नई इसराइली हुकूमत के साथ खिते में अमन के अहम काम जारी रखना है और नई इसराइली हुकूमत के साथ फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन के लिए भी काम जारी रखनी है। उनका कहना है कि अमरीका दो रियासती हल की हमायत जारी रखेगा और ऐसी पॉलिसियों की मुखालफत करेगा जो दो रियासती हल की अमलदारी को खतरे में डालें। इसराइल में आज तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले बिन्यामीन नेतन्याहू ने दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमायतों और यहूदी ऑर्थोडॉक्स जमायतों के साथ नई इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी है।